नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 अप्रैल से बढ़ सकती है बिजली की दरें। बिहार में मखाना उत्पादन के लिए केंद्र सरकार देगी 10 लाख तक का अनुदान। 14 जिलों के जजों को जबरन किया गया रिटायर। होली पर मद्य निषेध विभाग और भी होगा चौकन्ना। अब बिहार के सभी प्रमंडलों में खोली जाएगी खाद्य प्रयोगशाला। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1 अप्रैल से बढ़ सकती है बिजली की दरें। रोजमर्रा की वस्तुएं अगर महंगी होती है तो आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसी में से एक है बिजली, जो कि हमारी जरूरत है। ऐसे में अगर बिजली की दरें बढ़ती हैं तो आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ना लाजमी है। हालांकि 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नई बिजली दर 1 अप्रैल से प्रभावी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिजली कंपनी ने आयोग से 10% बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में बिहार सरकार वृद्धि करेगी या नहीं। खबरों की माने तो कंपनी की तरफ से दी गई याचिका पर गहन मंथन हुआ है। 10 जिलों में पुल और 18 जिलों में बनाई जाएगी नई सड़कें। बिहार में नीतीश सरकार आने के बाद से सड़कों का जाल बखूबी बिछा रही है। आए दिन किसी न किसी सड़क, हाईवे, पुल को लेकर योजनाएं बनती हैं और कार्य में लाई जाती है। इसी कड़ी में बिहार के 10 जिलों में नए पुल और 18 जिलों में नई सड़क बनाने की बात कही जा रही है। इस पर कुल 1302 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए नाबार्ड सरकार को 653 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर उपलब्ध करेगी। जिन 10 जिलों में पुल का निर्माण होना है वो सारण, गोपालगंज, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, सिवान, दरभंगा, कटिहार, गया और मधुबनी जिले का नाम शामिल है। वहीं जिन जिलों में सड़कों का निर्माण होना है उसमें आरा, पटना, शेखपुरा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा सहित 18 जिलों का नाम शामिल है। बिहार में मखाना उत्पादन के लिए केंद्र सरकार देगी 10 लाख तक का अनुदान। केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए फसलों के उत्पादन पर अनुदान देती आई है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार मखाने की खेती पर अनुदान दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप 1 हेक्टेयर में मखाने की खेती करते हैं तो इसके लिए आपको करीब 72,000 रुपए का अनुदान मिल सकता है। लेकिन आपको इसके लिए प्रखंड कार्यालय में आवेदन करना होगा। मालूम हो कि लगातार नए उद्यमी मखाने की खेती, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, इसीलिए लोगों को इसका लाभ लेते हुए मखाने की खेती करनी चाहिए। आपको बताते चले कि इस बारे में सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दुनिया में उपज जाने वाली कुल 80% मखाने की खेती बिहार में होती है। होली पर मद्य निषेध विभाग और भी होगा चौकन्ना। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद लोग शराब का उत्पादन और सेवन कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार भी सख्त है। शराबी और शराब तस्करों को पकड़ने के लिए आए दिन कोई न कोई नए तरीके ढूंढ लेती है। इसी में से एक है ड्रोन से शराब कारोबारियों की हिमाकत पर लगाम लगाना। होली जैसे बड़े त्योहार पर शराब की खपत और उत्पादन दोनों बढ़ जाती है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने रात में ही ड्रोन से छापेमारी की योजना बनाई है। अगर उत्पाद विभाग को शराब के भंडारण या परिवहन का संदेह है तो उत्पाद विभाग की टीम वहां बिना समय गवाए धावा बोलेगी। सभी प्रमंडलों में खोली जाएगी खाद्य प्रयोगशाला। बिहार सरकार कृषि शिक्षा सहित कृषि संबंधित सुविधाओं पर खूब ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में खाद्य प्रयोगशाला खोली जाएगी। आपको बता दें कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला पटना को NBL की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया जारी है। ये जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय योजना के तहत पटना के खाद्य प्रयोगशाला में 5,67,00,000 रुपए की राशि से 3 उच्च स्तरीय उपकरण स्थापित किए गए हैं। इन उपकरणों को क्रियाशील बनाने के लिए भवन के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और प्रयोगशाला परिसर में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। बिहार के संबंध डिग्री कॉलेज के हजारों स्टाफ के लिए सरकार की तरफ से होली का तोहफा। बिहार के संबंध डिग्री कॉलेजों के हजारों स्टाफ के लिए बिहार सरकार ने होली का तोहफा दिया है। इन कॉलेजों को पिछले 4 साल का बकाया अनुदान राशि का भुगतान जल्द ही करना होगा। बिहार सरकार ने इस संबंध में डिग्री कॉलेज के लिए अपना खजाना खोल दिया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति ने 684 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और अब नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को मान लिया है। आपको बताते चले कि संबंध डिग्री कॉलेज को उसके छात्र छात्राओं के श्रेणीवार स्नातक रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था है। बक्सर जिले में बनेगा बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य। बिहार की नीतीश सरकार पर्यटन को लेकर जोर शोर से काम कर रही है। इसी कड़ी में बक्सर जिले में बिहार का पहला काले हिरणों का अभयारण्य बनने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड अंतर्गत बरलावे गांव में इसका निर्माण किया जाना है। अब अभयारण्य के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस अभयारण्य के बनने से करीब 400 एकड़ में फैले जंगलों में विचरण करने वाले दुर्लभ प्राणी जैसे काला हिरण, नीलगाय और आवारा पशुओं को सुरक्षा और ठिकाना भी मिलेगा। इसके साथ ही बिहार सरकार जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है उस लिहाज से ये बेहद सराहनीय कदम है।
14 जिलों के जजों को जबरन किया गया रिटायर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि राज्य में जिला जज और पदों पर कार्यरत 14 लोगों को सरकार जबरन सेवानिवृत्त कर रही है। आपको बता दें कि 14 जिलों के जज और इनके समकक्ष को अनिवार्य रिटायरमेंट दे दी गई है। इन 14 जजों पर बीते एक महीने से ही कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद बीते दिन कैबिनेट की बैठक में इनकी छुट्टी कर दी गई। नवविवाहित जोड़ा अपनी पहली होली मनाने पहुंच गए दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होली से पहले अपनी पत्नी राजश्री के साथ दिल्ली चले गए हैं। मालूम हो कि तेजस्वी यादव की शादी के बाद उनकी पत्नी के साथ ये उनकी पहली होली है। मंगलवार को धुआंधार प्रचार करने के बाद देर शाम फ्लाइट से वो अपनी पत्नी राजश्री के साथ दिल्ली चले गए। ऐसा माना जाता है कि नवविवाहित शादी के बाद अपनी पहली होली मायके में ही मनाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव और राजश्री यादव बीते दिन दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं इधर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तबीयत खराब होने की खबर आई है, क्योंकि सेहत ज्यादा खराब होने के कारण डॉक्टरों की एक टीम उनके घर पर पहुंची थी। बिहार विधान परिषद MLC चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार में 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो कि 4 अप्रैल को होना है। ऐसे में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव के लिए 9 मार्च से नामांकन भी जारी है। इसके बाद आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। इसके बाद 21 मार्च तक उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन वापस लिए जाने का विकल्प होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च से 16 मार्च तक नामांकन की तारीख तय की थी। अब इसके बाद 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। वहीं 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के दावे कर रही है। MY समीकरण से A to Z के फॉर्मूले की तैयारी में तेजस्वी यादव। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार में विधान परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने भी उतर चुके हैं, लेकिन राजद ने इस चुनाव के साथ साथ लगे हाथ एक और तैयारी शुरू कर दी। तेजस्वी यादव MY समीकरण के आगे A to Z के इस फॉर्मूले तक ले जाने का संकल्प ले चुके हैं। राजद को पहले यादव और मुस्लिम की पार्टी कही जाती रही है, लेकिन MY समीकरण को काटते हुए A to Z फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश अब होने वाली है और इस चुनाव में तेजस्वी यादव स्वर्ण वोटर तक अधिक से अधिक पहुंचने के प्रयास में दिख रहे हैं। मालूम हो कि 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव में जब राजद ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे तो उसकी 1/4 सीटों पर भूमिहार उम्मीदवारों का नाम था। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच खत्म हुआ गतिरोध। बिहार विधानसभा में सोमवार को हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई बहस के बाद बीते दिन सदन में भारी हंगामा हुआ। इस बीच न ही मुख्यमंत्री सदन पहुंचे और न ही विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद ही विपक्षी दल के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। इसके बाद कितने विपक्ष के सदस्यों ने तो नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की मांग कर दी। हालांकि बीते दिन देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की बैठक विधानसभा परिसर की NC में हुई। इसके बाद अब बुधवार से सदन की कार्यवाही सामान्य व्यवस्था के साथ संचालित हुई। होली और शबे बारात में पुलिस की होगी हर मोड़ पर खास नजर। बिहार में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से ही चौकन्नी है। सभी जिलों की पुलिस इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने वाली है। वहीं जिसे थाने को लेकर के पुलिस बल की आवश्यकता है उसे पूरा किया जाएगा। आपको बताते चले कि जिलों में पहले से तैनात पुलिस बल के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 15 कंपनियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जगह जगह पर 13,000 से अधिक लाठी बल की नियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही SSP ने होली के दौरान शराब माफियाओं पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान शराब पीने वाले और शराब उपलब्ध कराने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। निगरानी विभाग के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति पर नीतीश सरकार की पैनी नजर है। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी निगरानी विभाग के चंगुल में फंसता ही है। इसी कड़ी में निगरानी विभाग की टीम के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। खबर लिखे जाने तक आय से अधिक संपत्ति मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता कृष्ण प्रसाद के यहां पर निगरानी की छापेमारी चल रही थी। पटना में गोला रोड के पास रंजन पथ में मौजूदा इंदिरा इनक्लेव अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में ये रेड पड़ी। जानकारी के अनुसार 60 लाख कैश खबर लिखे जाने तक बरामद हो चुके थे। आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर ने बनाया था ये खास रिकॉर्ड। आज का दिन यानी 16 मार्च क्रिकेट के लिहाज से काफी खास है। आज ही के दिन विश्व क्रिकेट में ऐसे खास रिकॉर्ड बने हैं जो किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। इस दिन 3 ऐसे रिकॉर्ड बने जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। इनमें से 2 सचिन तेंदुलकर के जबकि 1 हर्षल गिब्स ने बनाया। बता दें कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आज से ठीक 8 साल पहले क्रिकेट इतिहास का ऐसा कीर्तिमान बनाया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ 16 मार्च 2012 को इंटरनेशनल क्रिकेट का 100वां शतक बनाया था। यह मैच बांग्लादेश की जमीन पर खेला गया था। इसके अलावा आज ही के दिन 16 मार्च 2005 को सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे किए थे।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उमाशंकर जायसवाल, नुनू कुमार, विनय कुमार, रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया, सोनू कुमार कामत, विजय कुमार, रंजीत मिश्रा, राकेश भारती जी, सुनील कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।